हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 101 का यूनिट फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में। आरंभिक मानव समाज किस प्रकार का था, कैसे विकसित हुआ, विकास होने की प्रक्रिया क्या थी, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पार्ट टू रहने वाला है। पार्ट वन में पहले ही करवा चुका हूँ। इस पूरे यूनिट को हम चार पार्ट में कवर करने वाले हैं। अगर हम अपने पार्ट टू के बारे में बात करें तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि शिकारी संग्रह जो जीवन शैली था उसके अंदर में कैसे परिवर्तन आया और कैसे वो कृषक के तौर पे अपना जीवन यापन स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आज जो आप कार्य करते हो, जो आज मैं कार्य करता हूँ, जिस स्वरूप में मैं दिखता हूँ, क्या स्टार्टिंग में भी हम इसी तरह के थे? तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। एक लंबे समय अंतराल के साथ साथ में जैसे जैसे हमारे जीवन यापन के तरीके में परिवर्तन आया, ठीक है, जैसे जैसे हमारे रोजमर्रा के चीजों में परिवर्तन आया, ठीक है, आसपास के जो हमारा वातावरण है उसमें परिवर्तन आया, ठीक है, हमारा जो व्यवहार है, जो हम हैबिट है हमारी, उसके अंदर में परिवर्तन आया, तो आज हम इस पोजिशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर यही है। तो सेम चीज उस समय के जो शिकारी संग्रह थे उनके ऊपर में भी लागू होता है। जैसे जैसे उनके आसपास के वातावरण में परिवर्तन होता चला गया, उनके हैबिट में परिवर्तन होता चला गया, जो वो रोजमर्रा के दैनिक जीवन में कार्य करते थे उसके अंदर में परिवर्तन हुआ, उनके जीवन शैली के ऊपर में जो इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद वो कृषक की ओर अग्रसर होते हैं और खेती बाड़ी करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी को डिस्कस करते हैं और समझते हैं डिटेल में। यहाँ पे मैं बात करूँ, शिकारी संग्रहकर्ता जो जीवन शैली है, एक प्रकार का जीवन निर्वाह शैली के तौर पर जाना जाता है। जीवन निर्वाह शैली मतलब क्या, जिससे जीवन जिया जा सके, कैसे जीवन जिया जाता है, क्या एक फंडामेंटल होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो, शिकारी मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो जाकर शिकार करे जानवरों का, ठीक है, हथियार उजार लेकर जाए, उसके आगे पीछे दौड़े और मार के खाए, शिकारी वो हुआ। संग्रहणकर्ता मतलब क्या, जो चीजों को गिरा हुआ चीज है, जैसे फल वल गया जंगल से उठा के ले आया, कोई मरा हुआ जानवर उसको उठा के ले आया, तो उसको हम शिकारी संग्रहणकर्ता करते हैं। यहाँ पे दो वर्ड और आते हैं, एक वर्ड होता है रसद और दूसरा वर्ड होता है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना तो आप सबको समझ में आ जाता है। रसद मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा जानवर है वो मर गया, उसको खुरच खुरच के खाना, गिरा फिरा उसको खत्म करना, ठीक है, जो पहले से मरा हुआ है सड़ा हुआ है उसको खत्म करना, तो वो रसद कहलाता है। तो जो आरंभिक मानव था ना, वो शिकारी संग्रहण रसद और मछली पकड़ने पर निर्भर रहता था अपने जीवन व्यापन के लिए, ठीक है। ये नहीं था कि शिकारी करता था, शिकार भी जैसे स्टार्टिंग का अगर आप टाइम पीरियड को करोगे पढ़ोगे, ठीक है, पुरापाषाण काल के अंदर में आप देखोगे तो पुरापाषाण काल के अंदर में पुराने पत्थरों के जो बड़े बड़े औजार होते थे वो बनाया जाता था शिकार करने के लिए, और उन औजारों से बड़े जानवरों का शिकार होना पॉसिबल नहीं होता था, तो वो छोटे जानवरों का शिकार करते थे। छोटे जानवर कौन से, तो खरगोश हो गए, ठीक है, छोटे छोटे जो जानवर हुआ करते थे जिनको आसानी से पकड़ा जा सकता था, उनका वो शिकार किया करते थे, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं, जो जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने के लिए भोजन के लिए जंगली वनस्पति और शहद अन्य पोषक तत्वों को तलाश पर निर्भर करते थे। इनके जीवन व्यापन के अंदर में क्या होता था कि शिकार करना, छोटे जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, भोजन के लिए जंगली वनस्पति, कोई भी जंगल में गए फल फूल तोड़ के ले आए, ठीक है, शहद जैसे जो ऐसी चीजें हैं उसको इकट्ठा करना, और इन सब चीजों के ऊपर में ही उनकी जो जीवन लाइफ था ना, जो उनका लाइफ सर्कल था उसके ऊपर डिपेंड करता था। प्रारंभिक मानव द्वारा शिकारी संग्रहणकर्ता बनने के लिए कृषक बनने की प्रक्रिया कोई अचानक घटित नहीं हुई, ये समय अंतराल के साथ घटने वाली घटना थी। ऐसा नहीं था कि रात में सोए वो शिकारी संग्रहणकर्ता के तौर पे और सुबह उठे तो वो कृषक बन गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम रात में सिर्फ सपने में बन सकते हैं। कई बार होता है कि कई सारे सोते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और सुबह उठेंगे तो वो बोलेंगे सर मैं तो टॉप कर गया एग्जाम, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये सिर्फ सपने में, एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आप एमए कर रहे हो तो एमए में एडमिशन लिया, 2 साल का टाइम पीरियड है, तो एक दिन में तो नहीं हो सकता ना उसको। आप धीरे 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 पूरे कोर्स को अगर टाइम दोगे, 2 साल प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, तब आप एक अच्छे नंबर से पास होगे, एक अच्छे नॉलेज के साथ में पास होगे। अगर आप एग्जाम से पहले रात में पढ़कर गए और पास हो गए ना, तो सिर्फ वो काम चलाओ वाला पास होगा, आपको आता जाता कुछ नहीं होगा। ये रियलिटी और सच है आज के समय का। चलिए आगे समझते हैं। जब विश्वव्यापी जलवायु में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे आप देखो जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ, इसका प्रभाव शिकारी संग्रहणकर्ता के जीवन शैली में भी पड़ा। किस तरह का परिवर्तन की हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लो एक पूरा एरिया है, यहाँ पर एक व्यक्ति शिकारी संग्रहणकर्ता के जीवन शैली का अपना रखा है और वो रह रहा है, पर यहाँ के एरिया में मान लो जानवर, छोटे जानवर खत्म हो गए, अब वहां पे जानवर है ही नहीं शिकार करने के लिए, कोई भी जानवर ही नहीं है शिकार करने के लिए, तो वहां पे उसकी शिकारी करने की जो कला है वो तो खत्म हो गई, वहां पे उसको छोड़ना पड़ेगा, उसकी जगह कुछ और अल्टरनेटिव सीखना पड़ेगा। या फिर मान लो वहां पे कंदमूल का फल इकट्ठा खत्म हो गया, जो भी फल था, जो जो जंगलों पर निर्भरता थी उनकी, वो खत्म होना शुरू हो गई उसकी, तो अब उसको उसकी जगह कुछ और दूसरा चीज सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं उसको छोड़कर चल जाएगा तो काम चलने वाला है, क्योंकि हमेशा जानवर आप शिकार कर पाओ ये भी जरूरी नहीं है, हमेशा आपको फल मिल पाए ये भी जरूरी नहीं है, तो कुछ ऐसा उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित हो जाएगा। दूसरी जगह विस्थापित हुआ तो क्या पता यहाँ पर चीजें सही हो, पर कब तक सही रहेंगी, एक टाइम पीरियड तक ही सही रहेंगे ना,
फिर वापस से उसको उस जगह को छोड़कर तीसरी जगह जाना पड़ेगा, फिर एक जगह छोड़कर तीसरी जगह ऐसे जाना पड़ेगा। तो जो ये चक्र चला ना एक जगह से दूसरी जगह, तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान में क्या होगा कि उसके जीवन शैली में परिवर्तन होता चला जाएगा। जैसे आप बिहार से आकर दिल्ली में रह रहे हो, या कोई यूपी से आकर दिल्ली में रह रहा है, कहीं से भी आकर रह रहा है, तो आप गाँव में जिस तरह से रहते थे, गाँव में जो लैंग्वेज यूज करते थे, जिस तरह से बोलते थे, खाते पीते उठते बैठते थे, तो क्या दिल्ली में भी कर रहे हो? हाँ कर भी रहे हो ना। तो आप अगर आप सही से अपने नोट डाउन करोगे, अपनी चीजों को देखोगे, तो आपके जीवन व्यापन के तरीके में काफी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप गाँव में भी आ जाकर बैठ जाओगे ना, तो आपको वो इम्पैक्ट आपको फील करने के लिए मिलने वाला है। आपके आस पास के लोग उस चीज को फील करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन शैली, जो आपका व्यवहार है, उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। तो सेम चीज पहले स्टार्टिंग में वो इस पॉइंट पे रह रहा था, यहाँ पे जिस तरीके से भी उसने जीवन व्यापन किया, तब यहाँ पे चीजें नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो उसने छोड़कर आगे बढ़ा। हम दिल्ली क्यों आए? क्योंकि हमें वहाँ पे चीजें नहीं मिली। अब यहाँ पे हम अपने तरीके से रह रहे हैं, अगर यहाँ पे भी चीजें नहीं है उस हिसाब से, तो हम आगे जाएंगे, आगे भी नहीं है, तो मतलब जो यहाँ से हमने लर्निंग ली, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जीवन शैली में यहाँ पे परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है इस सर्कल के अंदर में। ठीक है, तो जो भी विश्वव्यापी परिवर्तन हुआ उसके कारण से क्या हुआ, जो शिकारी संग्रहण करता था उनके जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही जो उसके पौधे वनस्पति जो आसपास की वातावरण है उसमें भी अंतर आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के ऊपर में प्रभाव पड़ता था। मान लो सूरज बहुत ज्यादा हीट करने लगा, ठीक है, हीट वेव आने लगी, तो जो कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो हीट वेव को नहीं सह सकते, वो जल जाएंगे। ठीक है, तो उजल गए तो उनका तो नाम और निशान खत्म हो गया ना। कई सारे जानवर, जैसे मान लो अब सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो बहुत सारे जानवर क्या होते हैं कि अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टोर करके चलते हैं अपने वाटर को और बाकी चीजों को, मान के चलो बच गए। पर कुछ जानवर ऐसे होंगे जो उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती हो, तो मर जाएंगे। तो उस तरीके से उनके जो आसपास के वातावरण है ना, अगर कुछ भी परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन हुआ कहीं पे भी, तो उसके आसपास के वातावरण में भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, समय के साथ में जो शिकारी संग्रह थे उनके तकनीकी विशेषताएं भी होती चली गई। तकनीकी विशेषताएं क्या, अब देखो स्टार्टिंग में जो मानव था पूरा पाषाण काल के अंदर में पुराने पत्थरों का औजार बना रहा था, पर जैसे जैसे पूरा पाषाण काल को, जैसे आप तीन स्टेज में अगर आप देखते हो, पूरा पाषाण काल, उत्तम पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल, ऐसे तीन स्टेज अगर आप देखोगे, तो तीनों स्टेज के अंदर में धीरे धीरे मानव विकसित होता चला गया। जो पहले स्टार्टिंग में बड़ा औजार बना रहा था पत्थरों का, अब वो धीरे धीरे धारदार और तेज औजार बनाने लगा, छोटा औजार बनाने लगा, जिससे शिकार करने में उनको आसानी होने लगी, थोड़ा सा वो एक्टिव हो गया ज्यादा। पहले वो क्या होता था, बड़े औजार के साथ में उतना एक्टिव नहीं था, ठीक है, शिकार करने में बनता नहीं था, पर अब वो एक्टिव हो गया और शिकार करना उसके लिए इजी हो गया। तो ये चीजें भी यहाँ पे हम देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे जैसे तकनीक में परिवर्तन आया, जैसे जैसे उसके शिकार संग्रहण करने की चीजों में परिवर्तन आया, उसका इम्पैक्ट भी आसपास के वातावरण में देखने के लिए मिलता है। मान लो पहले बड़े औजार के साथ जाता था, छोटा जानवर का शिकार करता था, अब वो उसके पास धारदार हथियार है, मॉडर्न टेक्निक है, अब वो जाता है बड़े जानवर का शिकार करता है, तो उसके जीवन, उसका शिकार करने से, बड़े जानवर का शिकार करने से जो उसका वातावरण है उसमें परिवर्तन आएगा ना कहीं तो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एक सर्कल है, ये सब एक सर्कल है। एक सर्कल के अंदर में कोई भी चीज टूटेगा ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। आदि मानव को पौधे पशुओं की गहरी जानकारी होती थी, जो कृषक आरंभ करने का एक अनिवार्य पहलू था। ऐसा नहीं था कृषि ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत उनको पहले से जानकारी था, अच्छी खासी जानकारी कह सकते हो आप उसके पौधों के बारे में, कि किस पौधे को खाना चाहिए, किस पौधे को नहीं खाना चाहिए, कौन सा जंगली है, कौन सा नहीं जंगली है, कौन सा हानिकारक है, कौन सा स्वस्थ है, इनको पहले से इनके बारे में जानकारी थी, जिसके बेसिस पे वो कृषक की ओर आ सके। इसी के बेसिस पे अगर आप बात करोगे, बिनफोर्ड और कैंट फ्लैनरी का एक थॉट है, जो विद्वान थे, इनका कहना था कि शिकार और संग्रहण से कृषि की ओर संक्रमण के लिए क्रमगत विकास का सिद्धांत अपनाया गया। क्रमगत विकास मतलब क्या, धीरे धीरे सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज विकास करना, ठीक है, अपने आप को विकसित करना, जो भी चीजें हैं आपने सीख रखा, अपने आप को उस तरह से ढालना, विकास करना, ये चीजें अपनाई गई। ऐसा नहीं था कि एकदम अचानक से सरप्राइज दे दिया, सरप्राइज अब मैं कृषक हूं, ऐसा नहीं किया गया। नॉर्मली क्रमगत विकास, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। यहां तक कि डार्विन का सिद्धांत के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर में बात किया था। डार्विन का सिद्धांत है क्या, किस तरह जैविक क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया डार्विन के अंदर ने, डार्विन ने इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उनके बुक के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो डार्विन का भी मानना था कि कृषि की जो शुरुआत है वो क्रमिक प्रक्रिया के रूप में हुआ। क्रमिक प्रक्रिया मतलब क्या, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब एक तरह से क्रमिक विकास। ऐसा नहीं था कि सुबह रात में सोए और सुबह उठकर कृषक बन गए, ऐसा नहीं, मतलब क्रमिक विकास, एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर इस तरीके से हुआ, फिर इस तरीके से हुआ, फिर इस तरीके से हुआ, फिर कृषक बना, ये प्रॉपर एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया के हिसाब से। फ्लैनरी ने भी कहा यहाँ पे कि खाद्य उत्पादक की और संक्रमण के जो तरीके थे
वो विश्लेषण करते हुए मुख्यतः तीन अवधारणाओं पर आधारित माने जाते हैं। अब जैसे देखो खाद्य उत्पादन मतलब क्या कि कृषि करने के जो पैदावार करने के जो आप देखोगे संक्रमण कैसे हुआ, किस तरह से लोग कृषि करने लगे, तो यहाँ पे तीन अवधारणाओं की वो बात करती है। पहली अवधारणा आता है कि खाद्य उत्पादन से पूर्व जो शिकारी संग्रहणकर्ता की जो आबादी थी उसके अंदर में बढ़ोतरी होना शुरू हुई। जो लोग शिकारी संग्रहणकर्ता के तौर पर जीवन जी रहे थे तो उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी, ये भी माना गया। अब देखो अगर एक ही व्यक्ति रहता तो जंगल में वो जब तक एक जानवर मारता दूसरा जानवर पैदा हो जाता, पर जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे क्या हुआ उसका इम्पैक्ट आसपास के वातावरण में पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखा गया, खाद्य उत्पादन से पूर्व शिकारी जो संग्रहण करता थे उनके जीवन शैली में परिवर्तन आया, उनकी जो आबादी थी उसमें परिवर्तन आया, आबादी उनकी बढ़ती चली गई। खाद्य उत्पादन का जो आरंभ था उन लोगों के लिए जहां प्रकृति बहुत अनुकूल नहीं थी उनके लिए हुआ। अब देखोगे ना कि ऐसा नहीं कि मान लो जहां पे प्रकृति बहुत अनुकूल है, मतलब कहने का मतलब क्या कि मस्त वातावरण है, आसपास में एकदम हरियाली है, मस्त खाने पीने का सारा जुगाड़ है, आप जितना मर्जी खाओ खत्म नहीं होना, इस तरह का अगर वातावरण होता तो क्यों आगे करता। आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप बहुत तेज होते पढ़ने के लिए, ठीक है, या फिर एमए हिस्ट्री जहां से कर रहे हो, इग्नू से कर रहे हो या कहीं और से कर रहे हो, अगर कॉलेज वाले अच्छे से पढ़ा रहे होते, आपको टाइम से क्लास दे रहे होते, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती, आप अगर अच्छे से ट्वेल्थ में पास किए होते, अच्छे टॉपर होते, या फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी होती, हर चीज को यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। फैमिली बैकग्राउंड के लिए भी होगा कि आपके पापा अच्छी जॉब कर रहे होते, ठीक है, या आपके दादा परदादा अच्छी जॉब कर रहे होते, अच्छी नौकरी होती, अच्छी बैंक बैलेंस होती, ये सारा कुछ एक दूसरे से इम्पैक्ट, ठीक है। तो अगर कॉलेज वाले अच्छे से पढ़ाते हैं तो आपको शायद मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉलेज वाले अगर अच्छे से पढ़ाते हैं तो शायद मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें कमी थी कहीं किसी कारण से जिसके कारण से हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखा गया कि खाद्य उत्पादन उन जगहों पर आरंभ होता है, उन लोगों के लिए आरंभ होता है जहां पर प्रकृति अनुकूल नहीं थी, जहां पे किसी चीज की कमी थी, फिर उस चीज को वहां पे पूरा करने के लिए लोगों ने नया चीजें ढूंढा, ठीक है, नए चीजों के हिसाब से वहां पे फुलफिल करना स्टार्ट किया। और जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर में दिया कि आप एक जगह पे रह रहे हो, वहां पे किसी चीज की कमी हो गई तो आपने क्या किया दूसरे जगह पे चले गए, तो ये जो कमी हुई ना इसको फुलफिल करने के लिए लोगों ने ऑप्शन ढूंढेगी, ये नहीं तो ये चीज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। खाद्य उत्पादन के कई केंद्र थे और खुली खेती की शुरुआत हुई, मतलब ऐसे जैसे ना ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे खेती हुई होगी, कई बार जैसे आप बोलोगे कि मानव जो था इसी जगह पे विकास हुआ, अफ्रीका में ही विकास हुआ, यूरोप में ही विकास हुआ, इस तरीके से हम कई बार थिंकिंग बोलते हैं, या एशिया के इस क्षेत्र में विकास हुआ, पर जैसे आप खागे की बात करोगे, खेती की विकास करोगे कि खेती का विकास कैसे, तो खेती के लिए उत्पादन के कई सारे केंद्र हमें नजर आते हैं, जब आप उसको पढ़ोगे स्टडी करोगे तो कई सारे अवशेष मिलते हैं, यहाँ पर भी खेती का केंद्र रहा होगा, ठीक है, खाद्य उत्पादन का केंद्र रहा होगा, तो उसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में भी कृषि किया गया होगा। जैसे आप हड़प्पा की स्टडी करोगे तो हड़प्पा के कई सारी जगहों पर हमें कृषि के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये मान के चलते हैं कि हाँ इधर भी खेती किया जाता होगा, इधर भी खेती किया जाता होगा, इसके बेसिस पे आगे मानव का विकास होता गया। पूर्व में ये जो लोग थे विशिष्ट परिवेश में आदि नहीं थे, जो स्टार्टिंग में जैसे अब किसी भी जगह जाओगे तो नए परिवेश में तो ढलना रहना इजी नहीं होता, तो स्टार्टिंग में कहा गया कि जो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते होंगे या उस जगह पे रहते होंगे तो उस परिवेश के आदि नहीं थे, पर कैंट फ्लैनरी ने कृषि की ओर संक्रमण हेतु व्यवस्था सिद्धांत की प्रतिपादन किया है, व्यवस्था सिद्धांत जैसे फ्लैनरी कैंट है ना, कैंट फ्लैनरी, उन्होंने कृषि की ओर संक्रमण किस तरह से कृषि की ओर अग्रसर हुए उसके लिए एक व्यवस्था सिद्धांत को यहाँ पे दिया उन्होंने, ठीक है, लोगों के सामने व्यवस्था सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया कि कैसे वो अपने आप को ढाल रहे थे उस व्यवस्था के अंदर में, कैसे उस व्यवस्था के लिए वो कायम हो रहे थे उसके बारे में यहाँ पे वो डिस्कस करती है। इसके अनुसार मौसम में बदलाव के बारे में बात किया जाता है कि किस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ, शिकारी संग्रहणकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे घुमा करते थे इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। मौसम में बदलाव कहने का मतलब क्या, अब देखो मौसम में बदलाव अगर आज आपके यहाँ पे पानी नहीं पड़ रहा, दिल्ली में बहुत टाइम से सावन पूरा बीत गया, चार पांच ही दिन बारिश हुआ और बिना बारिश हुए ही दिल्ली में बाढ़ आ गया, ठीक है, अब हमें लग रहा है कि बारिश हो क्योंकि इतनी गर्मी ना कि मतलब शरीर जल रहा है, ठीक है, तो अब ये मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव है ना कि बारिश वाले टाइम पे बारिश नहीं हो रहा है, तो अब इसके कारण से क्या होगा कि जो ऐसे पौधे जो हम घर में लगाते हैं कई बार होता है बारिश के टाइम पे ही लग सकता है, बारिश के बाद बारिश से पहले नहीं लग सकता, तो वो पौधों की तो जिंदगी खत्म, तो उसके कारण क्या मौसम में बदलाव के कारण से शिकारी संग्रहणकर्ता जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान घुमा करते थे जहां पे चीजें अवेलेबल हो, जहां पे चीजें वो सही तरीके से कर सके, उसका इम्पैक्ट जहां पे हमें देखने के लिए मिले इस तरह की चीजें वो किया करते थे। अगर मान लो अब हमें पता है कि इस जगह पे ज्यादा बारिश होने वाली है तो चल भैया उठकर दूसरी जगह चल जाते हैं, वहां पे बैठेंगे, वहां पे मस्त बातचीत करेंगे, तो इस तरीके से उन्होंने भी कार्य करना स्टार्ट किया।
जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के वनस्पति और पशुओं का ज्ञान होता था। ऐसा नहीं था कि वो अनपढ़ गवार थे, ऐसी चूतिए थे, ऐसा नहीं बोल सकते। सॉरी, यहाँ पे मैं गलत वर्ड यूज किया, सॉरी फॉर सेइंग दैट। बट मतलब ऐसा नहीं था कि वो मूर्ख थे, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हम वो मूर्ख थे, सॉरी। यहाँ जहां तक कि प्रारंभ की हम बात करें, तो शिकारी संगठनकर्ता घूम घूम कर भोजन इकट्ठा क्या करते थे, वही लोग जो एक जगह रुक कर अन्न का उत्पादन करने लगे। अब देखो, ये ग्रुप में ऐसा नहीं होता था कि एक सिंगल बंदा गया एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, मस्त अपना जीवन यापन कर रहा है, ऐसा नहीं होता था। जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती गई ना, तो एक पूरे ग्रुप में ही घूमते थे, ठीक है, बड़ी आबादी का ग्रुप हुआ करता था और एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। अब मान लो यहाँ से ना 100 लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए। अब जब जिस जगह गए ना 100 लोग, तो 100 लोगों ने देखा यार यहाँ तो मस्त कंफर्ट जोन है, यहाँ पे यार मस्त एकदम मौसम मस्त है, जानवर भी अच्छे हैं। तो 100 में से क्या हुआ ना, 10 लोगों ने फैसला किया कि भैया अब तो मैं यहीं रहने वाला हूँ, तुम जो 90 लोग हो ना वो आगे बढ़ जाओ। तो अगले स्टेप पे यहाँ पे 90 लोग आ गए, ठीक है, यहाँ आए थे 100 लोग, यहाँ पे से 10 लोग यहीं रह गए, ठीक है, 10 लोग रह गए, यहाँ पे आ गए 90 लोग। अब 90 लोग में से क्या हुआ कि भैया आगे उन्होंने डिसाइड किया कि जो बाकी 12-15 लोग है या 20 लोग है वो यहीं रहेंगे, बाकी जो बचा वो आगे जाएंगे। फिर उसमें से डिसाइड किया 10 लोग यहीं रहेंगे, आगे जो बचा यहाँ जाएंगे, आगे डिसाइड किया 5, मतलब इस तरीके से ना, किस तरीके से यहाँ पे बढ़ता चला गया, ठीक है। और जो 10 लोग रहे तो उन्होंने क्या किया, जीवन व्यापन के लिए अलग अलग तरीके अजमाए, वहां पे कृषि की करना स्टार्ट किया, ठीक है। उनके जो जीवन व्यापन के तरीके थे उसमें परिवर्तन किया, पहले वो शिकारी संग्रहणकर्ता के साथ साथ में खानाबदोश की जिंदगी भी जी रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे थे, पर उन्होंने एक जगह रुक कर चीजों को करना स्टार्ट किया। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे हम यहाँ पे हम बात करें शिकारी संग्रहणकर्ता से कृषक की ओर, वहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि खानाबदोश पशुपालक से किस तरह से कृषि की ओर गए, ठीक है। खानाबदोश पशुपालक क्या होता है कि खानाबदोश मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, पशुपालक मतलब पशुओं को पालने वाले। अब वो ये कार्य करते करते कैसे कृषक की ओर गए, कृषि करने कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो कभी किसी और टॉपिक के अंदर में डिस्कस करेंगे, शायद आपका जो इसी के अंदर में अगला टॉपिक है वो इसके बारे में ही होने वाला है, ठीक है, कि कैसे खानाबदोश पशुपालक से वो कृषक की ओर अग्रसर हुए, ठीक है। ये जैसे ये वाला जो वीडियो, ये चैप्टर है ना पूरा एमए हिस्ट्री का, ये वाला पहले अगर आप देखोगे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग में, तो ये टोटल 4 चैप्टर था, ठीक है, जिसको यहाँ पर 4 चैप्टर को इन्होंने क्या किया, एक चैप्टर में बदल दिया। जो चैप्टर छोटे छोटे पॉइंट्स छोटे छोटे बनाए हैं, पर अच्छा बनाया है इन्होंने इस बार, मैं ये खराब नहीं कर रहा, पर 4 चैप्टर थे, अच्छा चैप्टर था चारों, उसके अंदर में चारों के अंदर में डीप नॉलेज मिलती थी हमें, पर उन चारों में से 4 अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाकर इन्होंने एक चैप्टर में डालकर कवर कर दिया, ठीक है। ये कह सकते हो कि एडिशनल जो टॉपिक थे जो फालतू हमें स्टडी करनी पड़ती थी उसको कम कर दिया, कुछ नए चैप्टर इसमें ऐड किया गया नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग में। तो नए वाले सिलेबस का ऑलरेडी मैं 12 चैप्टर करवा चुका हूँ, यूनिट 4 से लेकर यूनिट 12 तक का खत्म हो चुका है, और यूनिट 1 के भी हम दूसरा पार्ट कर ही रहे हैं, फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूँ, 2 पार्ट और हैं, और टोटल मान सकते हो 12 यूनिट हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखना स्टार्ट किया तो देखें उसको जाकर, जिससे आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो सके और अच्छे से आपके नंबर आ सके, अच्छे से आप पास हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूअर्स से, और एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो हमारी वैल्यूबल लगती है, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और क्या पता आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से किसी और स्टूडेंट तक हमारी वीडियो पहुंच सके, क्या पता उसके लिए भी काम अच्छा काम हो सके। कल जैसे एमए हिस्ट्री का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों ने थैंक्स बोला कि सर आपके कारण से नंबर अच्छा है, तो वो नंबर अच्छे आए उनका वो चीज की खुशी नहीं होती है, बट ये चीज की खुशी होती है कि मैं किसी का काम आया, ठीक है, वहां पे मैंने किसी का हेल्प किया कि जिससे उसके नंबर अच्छे आ सके। अगर कॉलेज वाले अच्छे से पढ़ा रहे होते, अगर अपना रोल वो अच्छे से प्ले कर रहे होते, तो शायद मेरी कहीं जरूरत नहीं पड़ती, मैं वहां पे कहीं एग्जिट ही नहीं वो रहता ही नहीं, वहां पे मेरा कोई वजूद ही नहीं रहता, ये चीज मान के चलिए आप, ठीक है। कहीं ना कहीं कमी थी तो उसको फुलफिल करने के लिए मैं आया, और इस कमी को मैंने ही फेस किया, क्योंकि खुद भी मैं इग्नू का स्टूडेंट रहा हूँ, एमए हिस्ट्री मैंने इग्नू से ही किया है, तो मैंने भी इन कमियों को फेस किया। तो जो चीजें मैंने फेस किया उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि नहीं बाकी चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्ट किया। तो आप एक एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में, जिससे मेरा वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, उनको भी बेनिफिट हो सके, और आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आपका टाइम गया और आगे इसको समझते हैं। कॉलिन रेनफ्यू की के बारे में अगर बात करोगे तो इन्होंने कहा कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, जैसे उसके जीवन व्यापार के अंदर में जो रोजमर्रा की चीजें थी, जो कल्चर था, उसके अंदर में भी परिवर्तन हुआ ना, तो उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसको स्वीकारा गया सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। कि उनका यह मानना था कि जैसे जैसे उनके ना रोजमर्रा का जो कल्चर है उसके अंदर में परिवर्तन आ रहा था, उसके सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहा था कि भैया पहले ऐसे रह रहे थे, अब ऐसे रह रहे हैं, अब ऐसे रह रहे हैं, तो सांस्कृतिक परिवर्तन ने भी चीजों को इम्पैक्ट किया।
अब देखो आप एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछूं आप सभी स्टूडेंट से कि क्या आपके जीवन के अंदर में भी अभी सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहा है। तो अगर आप कह रहे हो नहीं, तो मुझे लगता है आप गलत हो। मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे जीवन के अंदर में बहुत बड़े स्तर पे सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सोच है, हमारा जो थिंकिंग, हमारी जो एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न, जो वेस्टर्न एक्टिविटी, वेस्टर्न जो थॉट्स है, उसे हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप जैसे जो पूजा पाठ घर में होता था, आप उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। उन उन चीजों को हम उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं जो हमारे घर में पहले के टाइम पे होता था। और ये किसी एक रिलीजन या किसी एक धर्म के लिए, किसी गांव, एक कस्बे, एक किसी जाति और एक किसी उसके लिए नहीं, ये सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी समुदाय के लिए, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जानी है। एम कोहेन के द्वारा कहा गया कि कृषक के आरंभ के लिए परिवर्णीय, जो पर्यावरण के अंदर में परिवर्तन हुआ, अपेक्षा मनुष्य की चाहत का विशेष योगदान था। ऐसा नहीं था कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा था तो मनुष्य परिवर्तन हो गया, मनुष्य खुद भी चाहता था इस तरह के परिवर्तन को, मनुष्य खुद एक्सेप्ट करना चाहता था इस तरह के परिवर्तन को, मनुष्य एक्साइटेड था इस तरह के परिवर्तन के लिए, जिसके कारण से सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। ये बात तो सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पहले नहीं थी, पहले भी थी, सब कुछ था। तो हम खुद चाहते हैं उसको अडॉप्ट करना, हम खुद नहीं चाहते अपनी चीजों को सेलिब्रेट करना। तो वो किसी और चीज के ऊपर में हम ब्लेम करना सिर्फ ब्लेम करने जैसा रहेगा, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं रोल है, हमारा कहीं ना कहीं डिमांड है कि हम ये चीज चाहते हैं, ठीक है। इनका यह भी मानना था कि कृषि का विकास जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ। ऐसा नहीं था कृषि का अचानक से विकास हो गया, जनसंख्या वृद्धि के कारण से। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुआ तो जो जानवर थे जिनका शिकार क्या करते थे, वो खत्म होते चले गए। आसपास की वातावरण में इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, वनस्पति में इम्पैक्ट पड़ा। तो उसके बाद वो कृषि की ओर अग्रसर होते चले गए जनसंख्या वृद्धि के कारण से। इसके अनुसार अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराना कारण, उपलब्ध नहीं कराने कारण से ऐसा हुआ। अब ज्यादा लोग थे, ज्यादा भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसके कारण से उन्होंने कृषि स्टार्ट किया। बल्कि सघन खेती की शुरुआत हुई, छोटे छोटे स्तर में खेती करना स्टार्ट हुआ, अतिरिक्त श्रम लगाने के कारण से ही हो सकता था छोटी में खेती, और इसी कारण से खेती की शुरुआत देखी जाती है, ठीक है। इसलिए खाद्य उत्पादन की अगर बात करोगे तो लाभों को जानते हुए खेती करने के लिए खास आबादी का होना जरूरी था, ठीक है। एक अच्छी खासी आबादी जिनको जानकारी थी खेती के बारे में, जिनको पेड़ पौधे के बारे में जानकारी थी, उसके बेसिस पे यहाँ पे स्टार्ट किया गया। जैसे जैसे खेती करने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ने लगी, पेड़ों को काटा जाने लगा, मैदानों को साफ किया जाने लगा, काम जो लोग थे उसको ये कार्य करना पड़ता था, और पर्याप्त श्रम की आवश्यकता थी इन चीजों को करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, मैदानों को साफ करने के लिए, जंगलों को जलाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए। कोहेन ने माना कि शिकारी संग्रहणकर्ता समूह में जनसंख्या में वृद्धि अचानक नहीं हुई, बल्कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। ऐसा भी नहीं था कि वृद्धि अचानक हो गई, रात में सोए 9 महीने बाद बच्चे ही बच्चे, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद में बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, उसके 4 बच्चे, फिर उसके 5 बच्चे, हर बच्चे के बच्चे, ऐसे करके मतलब प्रॉपर एक ना प्रक्रिया के दौरान में क्रम विकास के आधार पर ये चीजें देखने के लिए मिल जाती है। इस वृद्धि के फलस्वरूप क्षेत्रों का विस्तार हुआ, ऐसे लोग ऐसे क्षेत्र का उपयोग करने लगे जो अछूत पड़े हुए थे। ऐसे क्षेत्र में भी वो उनका रिचेबिलिटी बढ़ी, जहां पर कोई लोग जाता नहीं था, जिस क्षेत्र को कोई पूछता नहीं था, वहां पे भी लोगों का आगमन हो गया। धीरे धीरे लोगों ने अपनी जरूरतों के द्वारा खेती को आरंभ कर दिया। जैसे जैसे उनकी जरूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे चीजें बदलती गई, उसके अनुसार उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया और खेती को वो एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो ये पूरा आ जाता है कि शिकारी संग्रहणकर्ता से कैसे वो कृषक की ओर जीवन व्यतीत करना शुरू किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि खानाबदोश से कैसे वो कृषक की ओर पे बढ़े, ठीक है, पशुपालक खानाबदोश से। पहले आदमी क्या कर रहा था, खानाबदोश का जीवन व्यतीत कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, फिर वो क्या किया, पशुपालक बना। तो पशुपालक में क्या हुआ था कि वो खानाबदोश पशुपालक था कि एक जगह से दूसरी जगह जानवरों के साथ में घूमता था, ठीक है। कुछ उनमें से क्या हुआ, रुक कर खेती कर बाड़ी करने लगे। अब जो रुक कर खेती बाड़ी करने लगे ना, तो पशुपालक खानाबदोश से कृषक के तौर पे अपना जीवन व्यापन स्टार्ट करते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार वो भी पूछा जाता है इस तरीके से, दोनों को पैरेलल रखकर कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का दौर क्या था, ठीक है, प्रक्रिया क्या थी, क्रम विकास किस प्रकार से रहा, इस तरह का क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर स्टडी कीजिएगा। और ये जो आपका यूनिट फर्स्ट के अंदर में 4 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों, ठीक है। कुछ और भी टॉपिक है, वो हम लास्ट वाले वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा और भी टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आपका पुराना वाला सिलेबस था उसको उसके अंदर में डिस्कस करवाया गया, तो मैं उसको भी वहाँ पे लेके चलने वाला हूँ, उसको भी वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पे मैं एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को, हमारे मैसेज को दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचाएं। तो थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।